नमस्ते प्रणाम, आपके अपने वीपी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो आपको पता है कि हमारे चैनल पे बिहार बोर्ड का जो आपका मॉडल पेपर है उसका सोलूशन चल रहा है, और 2023 का मॉडल पेपर का सोलूशन मैं करा रहा हूँ, जिसमें 80 ऑब्जेक्टिव हम लोग कर लिए थे और आज 81 से 100 तक करने का कोशिश करेंगे कि 100 तक आज हो जाए। और मैंने आपको पहले ही बता चुका है, मैं आपको पहले क्या बताया हूँ, बताया हूँ कि 500 ऑब्जेक्टिव हमारे चैनल पर अपलोड होगा मैथ का, और इसी 500 ऑब्जेक्टिव से आपके एग्जाम में 100% आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। अब 100% बोलने का मतलब कि आपका 50 ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है और ये 50 इसी 500 में से होंगे, ये दावा है मेरा। तो आप मुझसे जुड़े रहिए और इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं 81 क्वेश्चन आपके सामने। 25838 का माध्यक है। देखिए, जब भी आप देखिएगा पहले माध्यक कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, टोटल कितने नंबर है, 5 नंबर है। यानी 5 नंबर, यानी 5 क्या है, तो 5 आपकी एक ऑड नंबर है, ऑड 2 है, उसके बाद 3, उसके बाद 5 8 8, मतलब कि इसको आप लिख लीजिएगा बढ़ते क्रम में। किस क्रम में, बढ़ते क्रम में, देखिए ये बढ़ते क्रम में लिख दिए। तो बढ़ते क्रम में लिखने के बाद अब आधा आधा, मतलब कि दो इधर काट दिए, दो इधर काट दिए, बीच में क्या बचा, 5। तो ये आपका 5 आंसर हो जाएगा माध्यक बराबर। माध्यक पे आपको ऐसे ही निकालना है, जैसे 7 नंबर होते तो हम क्या करते, तो 3 इधर 3 इधर वाले छाड़ देते, बीच वाला जो होता है वो हमारा माध्यक हो जाता है। जैसे सपोज डेट, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे होता कि 2 5 8 9 2 9 2 1 7, कितने नंबर हुआ, 3 3 6 1। अब देखिए, तो सबसे पहले इसको ऐसे नहीं बताना, अब सबसे पहले इसको लिखना है, लिखना है किसमें, तो बढ़ते क्रम में लिखिए 1 2 2 2 टाइम है तो 2 टाइम, 5 है तो 5 7 8 9, यही है ना। तो 3 इधर छोड़ दीजिए, 3 इधर छोड़ दीजिए, आपका 5 आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कभी भी माध्यक निकालने का आएगा क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि आपको आ गया माध्यक निकालना, अब आप गलती नहीं करेंगे। यदि सम संख्या होगा तो क्या करेंगे, तो सम संख्या होगा तो देखिए क्या करना है, तो सम संख्या होगा, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे कितने 5 नंबर थे, इसी नंबर को मैं लेता हूँ 2 5 8 3, 4 नंबर मैंने लिया, ये आपका सम संख्या है। तो अब इसको सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखिए, 2 3 5 8 होगा। अब इसका इसका जब माध्यक निकालना होगा तो क्या करेंगे, क्योंकि इसका तो बीच वाला आएगा नहीं, तो अब देखिए इसका कैसे निकालेंगे, तो जो इस दोनों को जोड़ देंगे बीच वाले में के, यानी या तो 2 और 3 आता, 2 3 के बीच वाला में ना बीच 3.5 आता ना, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो कितना आएगा, 8 आएगा, और 2 से भागा कर दीजिएगा एंड डिवाइड कर दीजिएगा 4, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, माध्यक आपको पता चल गया होगा कि हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, अगर सम संख्या रहे या विषम संख्या रहे तो भी। तो चलिए अब 82 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने, बहुलक। सबसे पहले ध्यान रखिए बहुलक होता क्या है, तो बहुलक किसी भी जो भी आपका नंबर पत्र दिया है उसमें वो अधिकतम मान होता है, अधिकतम बार आता है, वो संख्या अधिकतम बार आती है वही बहुलक कहलाती है। जैसे इसमें सबसे ज्यादा बार कौन लिखा गया, तो 2 1 में 3 हमें ज्यादा दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4, यानी 3 ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो हमारा राइट आंसर भी 3 हो जाएगा, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी बहुलक कैसे हम लोग निकालते हैं, जो संख्या पत्र दी रहती है उसमें आपको देखना होता है कि अधिकतम बार कौन सी संख्या है, अधिकतम बार कौन सी संख्या लिखी गई है, उसी संख्या को हम लोग बहुलक बोलते हैं, तो इसका आंसर आपका 3 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन आप सभी सामने है कि वर्ग अंतराल 10 20 वर्ग चिन्ह है, यानी वर्ग अंतराल 10 20 का वर्ग चिन्ह है। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या लिखते हैं, फॉर्मूला होता है उच्चतम मान न्यूनतम मान, पहले 20 प्लस 10 दोनों का आपस में जोड़ सकते हैं, जोड़ने का दूसरी बैठ कीजिएगा 30 आएगा, 30 से 2 को डिवाइड कीजिएगा 15, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में, आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका लिखा हुआ 15, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसी में पूछ देता कि 10 और 15 में न्यूनतम मान क्या होगा, तो न्यूनतम मान जो छोटा वाला माने 10 हो जाएगा। अगर इस दिया रहा तो पूछ देता अधिकतम उच्चतम मान या अधिकतम मान, तो 20, तो याद रखिए वर्ग चिन्ह निकालने को बोलेगा दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देना है। अब देखिए देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन आप सभी सामने है कि वर्ग अंतरालो 5, 10, 10, 15, 15, 20 के वर्ग की लंबाई। देखिए आपका IMP क्वेश्चन ठीक करता हूँ, IMP क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप जो भी आप क्लास में थे अगर वो वीडियो नहीं देखे हमारा, आप जाकर क्वेश्चन से कीजिएगा, पक्का वो कुछ देखिए संशय में पड़ जाएंगे इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि बहुत ही IMP क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बनाने में आपका एक भी मिनट नहीं लगे। वर्ग अंतरालो के वर्ग की लंबाई, तो वर्ग अंतराल के वर्ग की लंबाई का मतलब कि उच्चतम से न्यूनतम को घटा दीजिए ना, राइट आंसर होगा, सबका सेम ही आएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, 15 से 10 5, 20 से 15 जाएगा 5, यानी इसकी वर्ग की लंबाई क्या है। और ये वर्ग की लंबाई समझिए कि स्क्वायर पूछा गया, नहीं ये पूछा कि जो ये वर्ग है इसकी लंबाई क्या है, तो 10 में से 5 जाएगा 5, यानी इसकी लंबाई क्या है, तो 5 है। अब देखिए बढ़ते हैं आगे, इसका हाँ इसका बताता हूँ कहाँ पे आप गलती करते हैं, आप देखते हैं कि 5 इसका 5 इसका 5 इसका, ये तो 15 हो जाएगा, 15 क्लिक, नहीं 15 नहीं होगा, 5 होगा, क्योंकि ये 3 बार थोड़ी है, ये तो अनंत टाइम है। 85 नंबर क्वेश्चन आप सभी सामने है कि से के प्लस टेन है इंटू 1 माइनस साइन है बराबर क्या होगा। तो ये देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले साइन से के को तोड़िए, तो क्या होगा, 1 बाई कॉस ए, 10 ए को साइन ए बाई कॉस ए, ये देखिए साइन ए बाई कॉस ए, दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटा में आपका आ जाएगा कॉस ए, ठीक, यानी इसकी वैल्यू कितना आ गई, 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, उसको मल्टीप्लाई करना इससे ना, तो लिखिए यहाँ पर 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इंटू में 1 माइनस साइन ए, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये a प्लस b इंटू a माइनस b पे ही आ रहा है, ये a हो गया, ये माइनस ए बी, तो ये प्लस b इंटू ए माइनस b का होता है a² माइनस b² तो इसका आपका हो जाएगा ए स्क्वायर का, यानी 1 का स्क्वायर माइनस b, यानी साइन स्क्वायर ए बाई में क्या है कॉस स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर है बाई में कॉस है, तो एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, यानी एक कॉस आपका बचेगा, यानी इसका राइट आंसर कॉस हो जाएगा। देखिए हमारा स्क्रीन थोड़ा छोटा पड़ता है इसलिए 2 बार बनाना पड़ता है, अगर बड़ा पड़ता तो 1 ही बार में हो जाता, तो आप डिस्टर्ब मत होइए, सब बता देता हूँ इसका। देखिए थ्योरी क्या है, इस दोनों को आप सबसे पहले सूत्र में कैसे तोड़ेंगे, तो से कॉस है 1 बाई कॉस ए वाला में 1 बाई कॉस है, और टेन को साइन ए बाई कॉस है, इसका जब आप एलसीएम लेकर एडिशन कीजिएगा तो आपका ऊपर में आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, नीचे आएगा कॉस है, और 1 प्लस साइन ए से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 माइनस साइन ए का, बटा में टोटल का कॉस हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई इसके एक से होगा तो कॉस हो जाएगा ना, कॉस हो जाएगा, तो इस दोनों का a² माइनस b² पे तो कॉस स्क्वायर ही आ जाएगा, नीचे कॉस ही रहेगा, ये कट के आपका कॉस ए राइट आंसर आ जाएगा, याद रखना। अब देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन, 86 नंबर क्वेश्चन आप सभी सामने है
कि पांच संख्याओं का माध्य 18 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो 16 है, हटाई गई संख्या है। ये भी आपका आईएमपी क्वेश्चन है मेरे भाई, ये भी आपका आईएमपी क्वेश्चन है, और ये भी 100% आपके एग्जाम में आने की संभावना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका एक पक्का आएगा, याद रखिएगा कि सर ने क्या बोला था, 100 क्वेश्चन जब आपका आएगा तो आप देखिएगा 100 में ऐसा क्वेश्चन एक रहेगा। अब हूबहू ये नंबर रहेगा मैं ये नहीं बोलता, लेकिन इस टाइप का एक पक्का रहेगा, ये 100% मेरा वादा है, आप देखिएगा एग्जाम में बैठिएगा तो। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, पहले पाँच संख्या का माध्य कितना था 18 था, यानी 5 × 18 = 90, यानी उनका योग कितना है 90 आया। और बोले यदि एक संख्या हटा दी गई, अरे भैया जब एक संख्या हटा दी गई तो 5 में से एक गया तो कितना बचा, 4 बचा। अब इसका माध्य कितना आ गया 16, तो इसका योग कितना हो जाएगा 16 × 64 हो जाएगा, तो एक नंबर हटी है तो इसको माइनस कर दो ना, 10 में 4 जाएगा 6 और ये 8 में से 6 जाएगा 2, यानी एक नंबर 26 थी जिसको हटाया गया, एक नंबर 26 था जिसको हटाया गया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो गया। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका पक्का 100% एग्जाम में आएगा, इसी टाइप के इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, हूबहू ये आएगा ये मैं नहीं बोलता, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन एक पक्का आएगा, जहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पक्का आएगा। चलिए देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये बहुत ही सिंपल है कि बहुलक समान होता है वह चर मान होता है जिसकी बराबरता होती है। अभी मैंने बताया कि सर्वाधिक यानी अधिकतम यानी सबसे ज्यादा जो होती है तो सर्वाधिक इसका आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखें, 88 नंबर क्वेश्चन क्या है, 88 नंबर क्वेश्चन निम्नांकित आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखा गया है, बढ़ते क्रम में लिखा गया, देखो 24, 27, 28, 31, 34, यदि माध्यिका 35 हो तो एक समान क्या होगा। सबसे पहले देखिए कि सम संख्या की मतलब टोटल नंबर जो है वो कितनी संख्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, यानी ये तो सम संख्या है। तो सम संख्या तो 5 नंबर और 6 नंबर जो संख्या है उस दोनों को जोड़कर 2 से भागा करना होगा। तो देखिए 5 नंबर देखते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 नंबर 34 है और 6 नंबर आपका 1 से, तो 1 को जोड़िए 2 से भागा कीजिए और 35 आपका माध्यिका दिया हुआ है, तो 35 दुना क्या होगा 70, और ये इधर आएगा तो घट जाएगा, यानी 70 में से माइनस 34 जाएगा तो आपका एक्स का वैल्यू आएगा, यानी 10 से 4 जाएगा 6, और ये 6 हो गया 6 से 3 जाएगा 3, यानी एक्स की वैल्यू कितना गया 36, एक्स की वैल्यू आपका क्या गया 36। देखते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका जो होगा वो राइट आंसर होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश में भी आपका यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि द फॉलोइंग डाटा हैज बीन रिटन एंड इज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी असेंडिंग ऑर्डर दिया गया, तो इतना इफ द मीडियन इज 35 देन द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी इसका मीडियन 35 है, वही माध्यिका को जो माध्यिका होता है ना, माध्यिका को मीडियन बोलते हैं और माध्य जो होता है उसे मीन बोलते हैं, याद रखना मीन बोलते हैं। तो माध्यिका जो है उस ऊपर आपका 35 है, तो आपका वैल्यू एक्स का क्या होगा वो आपका निकालना है, तो इसका राइट आंसर क्या था 36 है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट आपका है 89, 89 आपका है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर क्या होगा। तो देखिए ना साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है, साइन स्क्वायर हमने सबसे पहले क्या किया, एक मिनट, हमने सबसे पहले क्या किया कि यहाँ पे एक के बटा में एक है, तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे तो कॉस स्क्वायर एक में तो साइन स्क्वायर ए को एक से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे नीचे एक है तो एक से कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इसका वैल्यू एक आ जाएगा, तो 1/cos² बराबर का होता है तो इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है, यानी इसका राइट आंसर हमारा आएगा सेक स्क्वायर। तो देखो तो सेक स्क्वायर है ए है का इसमें कहीं सेक स्क्वायर कहीं है, सेक स्क्वायर आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन, 90 नंबर क्वेश्चन यहीं पर देखिए आपका क्या है कि संबेलन का पृष्ठफल होगा, संबेलन का पृष्ठफल होता है 2πr × r + h, याद रखिएगा 2πr × r + h, 2πr × r + h। अब देखिए बढ़ते हैं 91 नंबर क्वेश्चन, 91 नंबर क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन के 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को विभक्त किया गया, 1 सेंटीमीटर किनारे विभक्त है तो घन संख्या घन का आयतन निकालना पड़ेगा, इसमें तो घन का आयतन इक्वल टू का होता है तो भुजा क्यूब होता है, घन का आयतन इक्वल टू का होता है भुजा क्यूब का होता है, भुजा का क्यों किया जाता है, इसमें आयतन निकलेगा, कहे कि बात कर रहा है कि 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन में विभक्त किया गया, तो घनों की संख्या जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो आपको आयतन निकालना होगा, तो भुजा का क्यों किया जाता है ना जी, तो देखो ना यहाँ पर हम क्या करेंगे, यानी 5 का क्यूब कर देना 5 का क्यूब, इधर 1 का क्यूब कर देना 1 का क्यूब, इधर क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, यानी एक अब ये तो 1 से 25 को डिवाइड भी करोगे तो 125 ही आएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी तो 125, कितनी घन की संख्या होगी तो 125 होगी, तो 125 कहाँ पे, 125 आपका यहाँ पे है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका होगा राइट आंसर। नंबर क्वेश्चन हम सभी सामने है 92 नंबर क्वेश्चन की दो बेलनों की त्रिज्या के वर्गों का अनुपात इतना है, उनकी ऊंचाई का अनुपात इतना है, तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। तो देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच का होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो देखिए ना दोनों का लिखेंगे ना तो पाई आर वन स्क्वायर एच वन बराबर पाई आर टू स्क्वायर एच टू, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, पाई पाई तो कट जाएगा, आर वन का स्क्वायर तो आर वन क्या है यहाँ पे 2 है 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, एच कितना है एच इसका, तो एच इसका देखना है तो ऊंचाई यहाँ पे दिया हुआ है 5 तो 4 × 5 यहाँ पे हो जाएगा, इधर देखेंगे तार का स्क्वायर करना है तो इधर तार कितना है तो इधर कार 5 है तो यानी 25 हो जाएगा, 25 एच टू कितना है तो एच टू आपका है 2 तो 2 हो जाएगा 2, अब देखिए 2 × 2 = 4 आपका कट जाएगा 5 × 5 = 5 कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 5 यानी 2:5 आपका आंसर आएगा, क्या आएगा 2:5, तो देखिए 2:5 कहाँ पे, तो 2:5 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक 2:5 जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन कि 10 से 33, ये तो देखिए ये आपका मान रखे बनाने वाला क्वेश्चन, ठीक ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका वैल्यू जब आप रखिएगा 10 से 33 का तो बना सकते हैं, इसका वैल्यू बना के दिखाएगा मैं, ये आपका एचडब्ल्यू क्वेश्चन रहेगा, यानी 93 आपका एचडब्ल्यू क्वेश्चन है, इसको बना के लिएगा से 94 आपके सामने है कि यदि बिंदु 4P तथा 10 के बीच की दूरी P है, तो देखिए क्या करेंगे इसको, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आपका दूरी सूत्र बराबर होता है कि x2 − x1² + y2 − y1² आपका बीच की दूरी होती है, लेकिन यहाँ पे आपका बीच की दूरी 5 दिया हुआ है, इतना का फॉर्मूला लगा के आप इतना लिखिएगा, और इसको जब आप बनाना हो तो देखिए P की वैल्यू निकालना है तो आप क्या कीजिएगा दोनों तरफ स्क्वायर करके बनाएंगे, कैसे देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, यानी
दोनों तरफ स्क्वायर करने तो ये 5 का 25 होगा बीच की दूरी, और इस दोनों को स्क्वायर करने तो हमारा रूट हट जाएगा, यानी अब x2 - x1 का होल स्क्वायर अब +y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको रूट लिखने का कोई जरूरी नहीं। अब देखिए ये तो 9 हो जाएगा, ये प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा, ये 25 से 9 हो जाएगा 16 हो जाएगा इक्वल टू पी स्क्वायर। पी का वैल्यू निकालना है तो 25 रूट में हो जाएगा, 16 हो जाएगा रूट में पी की वैल्यू, यानी +-4 आपका पी की वैल्यू आ जाएगा, यानी +-4 आपका कहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 95 नंबर क्वेश्चन को। 95 नंबर क्वेश्चन सभी एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए नहीं हल करते, 1/3 पाई का वैल्यू आपका 22/7 होता है, तो लिखिए 22/7 आर स्क्वायर का, तो आर स्क्वायर का 49 हो जाएगा, और एच आपका कितना है, तो एच आपका 15 है, तो आप 15 लिखिए 7 से, ये 49 7 बार में कट जाएगा, और ये 3 से 3 से 5 15, यानी 22 और 35 मल्टीप्लाई कीजिए, 22 और 35 का, 22 35 का मल्टीप्लाई कीजिएगा, 35 2 70 07 और 35 2 70 और 77, यानी 770 सेंटीमीटर की आपका कहाँ पे, 770 सेंटीमीटर की आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका कहा राइट आंसर हो जाएगा। आपसे फॉर्मूला भी पूछ सकता है, सिंपल सवाल कि शंकु के आयतन क्या होता है, याद रखिएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यदि बिंदु इतना संरेख है तो फिर आपको वैल्यू निकालना। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे अटक जाते हैं, ये क्वेश्चन आपका एच डब्ल्यू में दे देता है, लेकिन नहीं दे सकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा है, लेकिन फिर भी नहीं दूंगा, इसको बनाऊंगा मैं, ताकि आप ये मत सोचिए कि सर देखिए जो मतलब हार्डली क्वेश्चन होता है वो दे देते हैं होमवर्क, आप लोग ऐसा भी सोचने लगेगा। तो ए बी सी का वैल्यू दिया, संरेख का बात करें तो पता है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो आपका 0 आएगा, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है, याद रखिएगा निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है, क्वेश्चन है, तो हम इसे कैसे हल करेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 होता है ना, उसे हटा देंगे तो क्या होगा, देखिए हम बताए थे आपको कि x into y minus y plus x into y minus y, इसको कैसे लिखना था, हम बताए थे 1 2 3 1 2 3, नहीं यहाँ पे एक आया ना, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऐसे होता था, ठीक। अब देखिए यहाँ पे पहले देखिए x1 की वैल्यू क्या है, तो 1 है, तो इसको लेकर चलेंगे। x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू 0 है, यानी ये पूरा 0 हो जाएगा, इसको काट दो, अब इसको नहीं हल करना है, यानी ये वाला फॉर्मूला अब हम लगा के हल करेंगे x1 और x3 वाला। तो सबसे पहले क्या होगा, तो x1 होगा, यानी x1 में क्या आता था, तो y2 हम -y3 यही होता था ना, और प्लस में अब लिखेंगे x3 वाला ना, तो x3 के बाद क्या आएगा, y3 -y1। तो x1 क्या है, तो x1 हमारा 1 है, y2 हमारा क्या है, तो y2 हमारा 0 है, 0, और -y3 हमारा क्या है, y3, तो y3 हमारा b है, तो b हो जाएगा, प्लस x3 हमारा क्या है, तो a है a, और y3 हमारा है y3 b है b, -y1 हमारा क्या है 2 है, तो 2 हो जाएगा, यही होगा ना, नहीं y3 x3 है ना, तो 1 और 2 होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे रॉन्ग हो गया, तो y1 का वैल्यू क्या है, तो y1 का वैल्यू हमारा है 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और y2 का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 2 आएगा, वहीं तो यहाँ पे 2 आएगा। अब देखिए माइनस भी हो जाएगा, और ये क्या होगा, तो ये प्लस 2 हो जाएगा, ये प्लस 2 है, -b + 2। अभी देखिए माइनस भी और बराबर में तो 0 ही है, बराबर में 0 है, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, बी बराबर 2 है, राइट आंसर इसका क्या आएगा, b = 2 कहीं पर है, हाँ तो देखिए ना यहाँ पे b = 2 एंड 2a = b, यहीं आपका क्या होगा, 96 80 नंबर आंसर होगा राइट। देखिए मैंने आपको इसको एकदम इजी है, इसका क्षेत्रफल जो होगा 0 होगा, उस पर आप रख के वैल्यू बनाइएगा, x2 वाला तो वैल्यू लगेगा नहीं, क्या x2 की वैल्यू 0 है, तो उसको मैंने पहले ही कट कर दिया था, ये इसका ट्रिक है, आपको इजी ट्रिक है, जब आप एकदम जल्दी में बनाना चाहते हैं तब। अब देखिए 97 नंबर क्वेश्चन आपका है कि एक त्रिभुज जिसके शीर्ष से क्या क्या है, तो 5.08.08.4 है, तो क्षेत्रफल यानी वर्ग इकाई में है, तो त्रिभुज ये भी उसी पर बनेगा जिस पे अभी मैंने बताया, उसी फॉर्मूला पे आप इसको रखिएगा, ये बन जाएगा, यानी हाँ जो होता है x1 वाला, x1 into y, एक यहाँ पे लिख देता हूँ x into y - y प्लस x into y - y फिर प्लस x into y - y, बस ऐसे ही आपको लिखना है, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 3 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 1 2 हो जाएगा, इसी फॉर्मूला पर बैठेगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की, 98 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, यदि बिंदु 5, a रेखा इतना परिस्थित हो तो a का मान क्या होगा। अब देखिए जब किसी रेखा पे कोई बिंदु दिया होगा स्थित होता है, यानी जो बिंदु में, तो ये दोनों जो वैल्यू है, ये एक x का वैल्यू है, एक y का वैल्यू है, और इस दोनों वैल्यू को जब हम इसमें रखेंगे तो इसका वैल्यू पूर्णतः जीरो आएगा, ये रूल होता है। तो देखिए हम देखते हैं रख के वैल्यू, यानी x बराबर 5 है, तो 2 × 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा, -3 1 हो जाएगा, अब बराबर में 5, अब ये 3 इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, यानी 10, और इधर -5 = 3 है, 10 में से 5 जाएगा 5, और इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, यानी 5/3 = a हमारा आंसर आएगा। तो 5/3 5 एक ही वैल्यू निकालना था, 5/3 कहाँ पे, 5/3 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक वैल्यू निकालना था, निकल गया। एक बात इसमें यही याद रखना, देखिए ये क्वेश्चन बहुत अटकाता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना कम है, क्योंकि थोड़ा हार्डली क्वेश्चन पड़ जाता है ऑब्जेक्ट के लिए, बच्चों का दिमाग नहीं काम करता है। देखिए आपके 100 क्वेश्चन है, इसमें सबको ओनली 50 ही बनाना है जी, 100 में कितना बनाना है, 50 बनाना है, तो आप काहे के लिए झंझट में पड़ते हैं, आप 500 हमारा ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा ना, इसी में से 50 आएगा, आप देखिएगा बोलिएगा कि हम सर क्या बोले थे, और हम बहुत जल्दी बहुत कुछ आप लोगों के लिए करने वाले, हम एक टीम तैयार कर रहे हैं आप सभी के लिए, जिसमें आपको अलग अलग टीचर अलग अलग सब्जेक्ट लेंगे। अभी मैंने 2 से 3 अपने टीचरों से बात किया है, और 2 से 3 यानी एक मैं हूँ और 2 टीचर मैंने बात किया है, और एक टीचर तो तैयार भी हो गए, तो बहुत जल्दी आप सभी के इसी बीपीसी सेंटर पर आपके एसएस का क्लास या तो शॉर्ट्स के रूप में या फिर लॉन्ग्स के रूप में क्वेश्चन ही आपका आएगा बहुत जल्दी, यानी एसएस का आपका देखने को मिलेगा वीडियो बीपीसी सेंटर पे, तो आप हमसे जुड़िए बस यहीं, और 500 ऑब्जेक्टिव में से ही आपका मैथ आएगा, मैथ का तो मैं 100% गारंटी लेके ही बैठा हूँ कि मैथ में आपको 100% यहीं से लड़ाना है तो लड़ना है। देखिए 99 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि यदि a cos θ + b sin θ = 4 है, और यहाँ पे दिया होता था a sin θ - b cos θ = 3 है, तो a² + b² बराबर होगा, यहाँ पे का पूछा, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है, और ये भी 100% आपका एक क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये बहुत पिछले वर्ष शायद ये क्वेश्चन आया था, और ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप जरूर देखिएगा, एग्जामिनर के दिमाग में क्वेश्चन बैठ गया, ये क्वेश्चन जरूर दे सकता है। तो देखिए इसको ये सिंपल सा है हल करने का, ये इतना बराबर दिया है, पहला समीकरण मानिएगा, दूसरा समीकरण मानिएगा, ये पहला समीकरण मानिए और ये दूसरा समीकरण मानिए, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए हमने समीकरण मान लिया, दोनों का स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर पहले करके देख लेते हैं, होगा a² cos² θ हो जाएगा, दोनों तरफ होगा, और यहाँ पे b²
कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर साइन है ना, तो यहाँ पर साइन होगा ना साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 3 है तो 9 हो जाएगा। ठीक, 3 है तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए इस दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे ना जब दोनों को, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि ई कॉस स्क्वायर थीटा ई साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। तो यहाँ से जब हम ई कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और इधर जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बी यानी कॉस स्क्वायर ये भी एक हो जाएगा। और ये ए देखिए इसको ईजी है, इसको बनाना पड़ेगा, थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसको मैं एक आपको लॉन्ग वीडियो यानी लॉन्ग वीडियो दो नंबर के क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, और ये दो नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, इसलिए मैं इसको दो नंबर में रखता हूँ। ऐसा बनाने का कोशिश कीजिएगा, इसको इसको स्क्वायर कीजिएगा, इसको स्क्वायर कीजिएगा, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। ठीक, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिएगा, मतलब यही से इसको क्या कीजिएगा कि ए कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर बैठ जाएगा, तो इसको तोड़िएगा, आपका आंसर आएगा। ठीक, नहीं आएगा तो फिर मैं तो बताऊंगा ही। ये देखिए 100 नंबर क्वेश्चन आपका एक प्रोबेबिलिटी से है, प्रोबेबिलिटी यानी परीक्षा से, और परीक्षा से आपका क्वेश्चन पूछता है दो तीन, इसमें एक ही दिया है मेरे को, एक ही देखने को मिलेगा, दो तीन आपका क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए परीक्षा में आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ, इसका ट्रिक है, बस सिंपल सा, जो पूछेगा उसको आपको ऊपर रखना है, जो पूछेगा आपको ऊपर रखना है, टोटल नंबर नीचे रख दीजिएगा। और देखिए मोबाइल से अदृश्य एक अक्षर चुना जाता है, उस अक्षर के स्वर चुने जाने की परीक्षा है, उस अक्षर के स्वर स्वर होना चाहिए यानी भवन। सबसे पहले देखिए कि टोटल नंबर कितना है, यहाँ काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 यानी 3 3 6, तो 6 नीचे रख दीजिएगा, टोटल नीचे रख दीजिए आंख मुंद के। अब ऊपर में क्या बोला है, स्वर, तो जो पूछेगा उसको ही ऊपर रखना है स्वर। इसमें स्वर कितना है, तो 1 2 3 ए आई, तो नहीं ये नहीं ओ आई, तो 3 है तो 3 बन जाए 3 3 2 6 यानी 1/2 यानी ऑप्शन नंबर बी। तो आज बहुत ही खुशी की बात है कि हम 100 ऑब्जेक्टिव हमारा सॉल्यूशन हो गया, 100 ऑब्जेक्टिव हमारा कंफर्म हो गया। अभी बचता है आपका 400 ऑब्जेक्टिव, और 400 ऑब्जेक्टिव का सीरीज आपका चलता रहेगा। शॉर्ट्स के रूप में भी आपका ऑब्जेक्टिव आ सकता है, लॉन्ग अगर टाइम नहीं मिलेगा तो, जैसे 10 10 करके 20 20 करके, मतलब आपका 500 ऑब्जेक्टिव मेरे को क्लियर करना है, मैं 500 ऑब्जेक्टिव आपका पूरा कहीं मानूंगा, और इसी 500 क्वेश्चन से आपका 50 क्वेश्चन जो आप टिक कीजिएगा वो इसी से रहेगा, मैं ये भी आपको बोल देता हूँ। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आप हमसे जुड़ जाइए। हमारे चैनल पर ACS का वीडियो बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, साइंस का वीडियो तो मैं बना के डाल ही रहा हूँ, ACS का वीडियो भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और संस्कृत का वीडियो आपको देखना है तो इस पे प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में, या फिर वीडियो ओल्ड वीडियो में जाइएगा, और उसमें आपका संस्कृत का वीडियो अपलोड है, और वो संस्कृत का ऐसा वीडियो है कि आपके ग्रामर कंप्लीट करा देगा। हिंदी ग्रामर का भी वीडियो अपलोड है, तो आप हिंदी ग्रामर की जगह हमारे, तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइए, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में रहता है, तो व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइए, आपको वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे आपको क्वेश्चन डाला जाता है, आपकी सबसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।